रोहतक की कपड़ा मार्केट में किसने दी 2 फुट अतिक्रमण करने की अनुमति? कि 2 फुट मतलब छोड़ दो, बाकी अपना तोड़ दो। दो भाई 2 फुट के उन्होंने बोला था कि भाई आप 2 फुट रख सकते हो। उसमें प्रधान जी ने भी मुनादी करवाई थी और कमेटी की तरफ से भी जैसे भी हुआ था अनाउंसमेंट वैसे हमने करवा दिया। पास हुआ है हमारा, जो डेलीगेशन मिला था हमने 2 फुट का पास करवाया था उनसे रिक्वेस्ट करके, वो हमने 2 फुट का अपना कर लिया। किला रोड पर क्यों नहीं मिली अनुमति? रेलवे रोड पर क्यों नहीं मिली अनुमति? ये उनकी तरफ से आया था ये बिंदु विमर्श के दौरान। मैंने बड़ी विनम्रता से उनको ये कहा कि ऐसी कोई भी फरमाइश हमारे सामने ना रखें जिसके लिए हमको बड़े भारी मन से इनकार करना पड़े, क्योंकि इनकार करने में भी तकलीफ होती है, मुझे तो होती है। आखिर किसकी शय पर हो रहा बाजारों में भेदभाव? अगर होना चाहिए पूरी मार्केट पे होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए। क्या अतिक्रमण के नाम पर भी हुई राजनीति? खुशी हुई कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी दिशा से कहीं से भी इस कार्रवाई के दौरान आज तक हमारे ऊपर नहीं आया। रोहतक के शौहरी क्लॉथ मार्केट में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन पूरी सख्ती में दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकतर दुकानदारों ने समय सीमा खत्म होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्रशासन ने 30 अप्रैल 2022 का हवाला देते हुए दुकानदारों को निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार समय सीमा से पहले अपने आप ही दुकानों के आगे का अवैध अतिक्रमण हटा लें, लेकिन कुछ दुकानदार अब भी ऐसे हैं जिन्होंने कब्जा खाली नहीं किया है। जिनको चेतावनी देते हुए रोहतक के भू अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। मैं सभी को ये चेता रहा हूँ कि प्रशासन इस ओर जो ना पूरा सजग है, पूरा सतर्क है और पूरा सख्ती से जो अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, कोई भी दुकानदार है या रेडी वाला है कोई भी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द आपको देखने में आएगा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। तो इसलिए मेरा एक तो शौरी मार्केट वाले सभी दुकानदारों से ये निवेदन है कि जिस प्रकार वहाँ 20-30 दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण हटाया है उसी को देखते हुए स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा ले। जिन दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण अपनी दुकानों के सामने से हटाया था उन्होंने फिर से अपनी दुकानों को शटर से 2-2 फुट आगे बढ़ा लिया है। उनसे जब हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने शटर के आगे 2 फुट का अतिक्रमण फिर से कर लिया है, तो जवाब बेहद ही चौंकाने वाले थे। जी आपका नाम? सुनील गुप्ता। सर ये आपने अतिक्रमण खुद से हटाया है, कब से हटाया है? ये कल ही हटाया है जी दोपहर को। कारण? भाई अपने पहले ज़्यादा तोड़फोड़ होती, शटर तक नुकसान होता, तो मतलब उससे अच्छा हमने अपना पहले ही हटा दिया। दो फुट के उन्होंने बोला था कि भाई आप 2 फुट रख सकते हो। किन्होंने बोला? प्रधान जी ने बोला है। राजीव मल्होत्रा। उन्होंने क्या कहा? कि जी हमारी बात हुई है प्रशासन से और 2 फुट आप रख सकते हो और 2 फुट को मतलब आपने तोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमने अपना 2 फुट हटा लिया। नहीं नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ निगम वाले ये बोल के गए थे आपका दीवार से दीवार साफ होगी, लेकिन फिर उसके बाद प्रधान जी की कोई मीटिंग हुई है फिर उन्होंने ये भाई ये कहा था भाई आपका मतलब 2 फुट रोकने के लिए बोला गया। नहीं डिटेल नहीं बताई कोई भी। तो अगर अब जो है अगर प्रशासन आए अतिक्रमण करने के लिए और कहे कि 2 फुट भी नहीं रखना, प्रशासन नहीं करेगा तो मैडम फिर प्रशासन साफ कर लेगा? तो कुछ भी हटा सकता है प्रशासन। देखो प्रशासन भाई अगर हमें या प्रधान जी बोलता है कि भाई पूरा का पूरा साफ कर दो तो हम पूरा का पूरा साफ कर देते। हाँ बिल्कुल दे देते जी, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है, कोई अकेला हमारे साथ नहीं है जी। तो मार्केट के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं हटाया अभी मोस्टली? हाँ बहुत है मैडम, अभी बहुत हैं। हाँ वो तो पर दुकान के साथ चेक करोगे, जैसे आप सामने घुमा के देखो कैमरा तो वहाँ भी पता चल सकता है और मतलब आगे भी चलो कहीं भी। हाँ मतलब अभी हाल फिलहाल में जो है वो मेन रोड का ही सारा टायर। हाँ वो ये सोच रहे भाई अभी कोई चेकिंग आती है नहीं आती है, बस मेन बात वो है। नहीं खौफ वाली कोई बात नहीं है, आएगा तो हटा लेंगे भाई अपना सामान, जैसे बोलोगे भाई मतलब उस तरीके से लगा लेंगे अपना सामान। 2 फुट रख, 2 फुट मतलब बचा दे उसके बाद। नहीं ये हमारे प्रधान जी का ऑर्डर आया कि 2 फुट मतलब छोड़ दो, बाकी अपना तोड़ दो। दूसरे पटियानी हटाकर 2 फुट तक चौथा छोड़ कर बाकी हटा ले, जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो दे दिया और 2 मिनट ये चाहे थी ये हटा दो ये भी हटा दे। और पूरा हटाना है।
हम पूरा भी हटाने लिए तैयार है। अलाउंसमेंट नहीं है, अलाउंसमेंट हुआ था। अच्छा, नहीं यार, अलाउंसमेंट हुआ था। अनाउंसमेंट कुछ नहीं, उन्होंने बोला था कि अपना अतिक्रमण हटा दो, हमने हटा दिया। तो आप लोगों ने अभी भी दो दो फुट छोड़ा हुआ है। वो पीछे से आदेश आए थे। किसने आदेश दिए थे? मार्केट के प्रधान ने आदेश दिए थे, सो हमने दो फुट छोड़ के बाकी हटा दिया। क्या मार्केट के प्रधान ने क्या आदेश दिए? यही आदेश दिए, दो फुट छोड़ के बाकी हटा लो आप। ये मौखिक रूप से दिए, लिखित दिए? नहीं, अनाउंसमेंट हुई थी मार्केट में, उनके पास मौखिक रूप में आया होगा, लिखित रूप में आया होगा, एक्सपायर जो भी है। बट यहाँ पे तो कहा था दो फिट छोड़ दीजिए, बाकी हटा दीजिए, हमने हटा दिया। मिट्टू सचदेवा है। अच्छा, और कितनी तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है? सैटरडे को अनाउंसमेंट हुआ, संडे को कार्रवाई होगी। नगर निगम के आदेश आए थे उनके, उसके बाद हमने अपने आप से तोड़ दिया इसको, है ना। और बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया अपने आप से, जो भी परमिसिबल वो था ना उसमें, जो भी परमिसिबल एरिया था उसको छोड़ के वो तोड़ दिया है। ये तो नहीं पता जी एग्जैक्टली मेरे को क्या। हाँ, यही मार्केट एसोसिएशन का डिसीजन है ना, दो फीट छोड़ के तोड़ दो इसको, है ना। हाँ जी, हाँ जी, दो फीट छोड़ के बाकी तोड़ दिया है। आदेश ये अपने चबूतरे तोड़वाने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए था। आपने हटवा लिया? हटवा दिया है जी। अच्छा, फिर भी दो दो फुट तो बाहर छोड़ा हुआ है। नहीं, वो तो जैसे आदेश हुआ था ना, हाँ। वैसे हमने जिसने उसका पालन किया है, जिसने प्रधान जी ने भी मुनादी करवाई थी और कमेटी की तरफ से भी जैसे भी हुआ था अनाउंसमेंट, वैसे हमने करवा दिया। प्रधान जी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट? कि भी दो फुट जिसने छोड़ के बाकी जिसने अतिक्रमण जिसने नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दो फुट छोड़ के हमने अपने आप तोड़वाया है, जो दो फुट छोड़ के बाकी तोड़वा दिया। कौन है प्रधान, किसने अनाउंसमेंट? प्रधान जिसने अपने बिट्टू प्रधान है, राजीव मल्होत्रा का। राजीव मल्होत्रा जी ने अनाउंस? हाँ जी, हाँ जी। बात है जी, मारुति प्रधान जी ने कहा था भाई अपना दो फुट रख के और अपने तोड़ दो, हमने तोड़ दिए। अच्छा, और नगर निगम ने क्या कहा था? नगर निगम ने तो ये कहा था अपने शटर चा क्या कुछ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो ये अनाउंसमेंट कब कराया है प्रधान जी? शनिवार रख रहा है भाई, वीरवार को शुक्रवार को करवा लो। तो क्या इसमें किसी नगर निगम के अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने किसी ने कहा आपको कि दो फुट आप रख लीजिए? नहीं कहा ना। सिर्फ आपके प्रधान ने कहा। कौन प्रधान है? राजीव मल्होत्रा। तो कोई अल्टीमेटम उनके द्वारा दिए गए आपको? किसको? हटा लीजिए ऐसा कोई अल्टीमेटम प्रधान? नहीं, पीछे तो 30 मई तक का था, फिर वो दो चार दिन सीएम आ गया। दूसरी रोहतक प्रशासन सभी बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन आखिरकार किसके कहने पर दुकानदारों को दो दो फुट जगह फिर से कब्जाने के निर्देश दिए गए? दुकानदारों के कहे अनुसार जब हमने बाजार के प्रधान से बात की तो पूरे मामले में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का नाम सामने आया। बाजार प्रधान की माने तो पूर्व मंत्री ने मौखिक तौर पर उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी दुकानों के आगे दो फुट के अवैध अतिक्रमण पर कोई पीला पंजा नहीं चलेगा, जिसके बाद दुकानदारों ने दुकानों के शटर से लगते दो फुट के एरिया को फिर से घेर लिया। ये वो पत्र है जो बाजार के व्यापारियों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को संबोधित करते हुए लिखा है। बाजार के प्रधान का कहना है कि खुद पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने उनसे कहा था कि वह उनके नाम पर संबोधित कर ये पत्र लिखें, जिसके बाद उनकी दुकानों के आगे दो फुट का कब्जा नहीं हटाया जाएगा। हमारी बात हुई है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी से रेस्ट हाउस में। हमारा 30-40 आदमियों का डेलीगेशन उनसे जाके मिला। उनसे हमने जाके रिक्वेस्ट की कि हमारे जो थल्ले हैं ये जब से मार्केट बनी है तब से बने हुए हैं। 1995 में फ्लड आ गया था तो मार्केट के अंदर पानी भर गया था, सारी मार्केट के अंदर हमारा नुकसान भी हुआ था। तो उसके बाद जो है मार्केट के लोगों ने दुकानें अपनी ऊंची उठानी शुरू कर दी। जब दुकान उठी तो नेचुरली थल्ला भी साथ पे उठेगा। तो हमने उनको कहा कि बाहर जो यूको बैंक वाली गली है वहाँ आप दो फुट करवा दो, अंदर हमारा 3 फुट ही रहने दो। तो उन्होंने हमारे को कहा कि नहीं, आपका 2 फुट ही अंदर बाहर जो भी है 2 फुट ही होगा। तो हमने परसों मीटिंग करके अनाउंसमेंट करवा दी थी कि भाई 2 फुट रख के, शटर से 2 फुट रख के और बाकी जो अपने थल्ले गिरा लो, चबूतरा अपना गिरा लो। तो मेरे हिसाब से कल मैं मार्केट में आया था, कल संडे था, मार्केट में आया था तो मैंने देखा कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने शनिवार रात को ही शुरू कर दिया था गिराना, कुछ ने शुक्रवार को भी गिरा दिया था और कल तो काफ़ी लोगों ने मतलब जो है
प्रताप रागी रोड से लेके मालगदम रोड तक काफ़ी लोगों ने गिराया, और यूको बैंक वाली गली में 2 फुट का थल्ला है ही नहीं, यूको बैंक वाली गली में 1.5 फुट का थल्ला है, 1 फुट का थल्ला है। एक दुकानदार का विक्की साड़ी विक्की कला था उसका ज़्यादा था, उसने अपना कल गिरा लिया, और अंदर जो शोरी मार्केट की मेन गली है उसके अंदर भी मोस्टली लोगों ने हटा लिया है, और बाकी लोग मेरे जहाँ तक संभावना है बाकी भी हटा लेंगे। देखो हमारी प्रशासन से डीसी साहब से या एलओ से या कमिश्नर से इनसे कोई बात नहीं हुई, हमारी बात हुई है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी से। जब एलओ साहब आए थे यहाँ पर, हाँ, आए थे। क्या तब एलओ साहब ने ये कहा था कि आप 2 फुट रख लीजिए? नहीं, एलओ साहब ने उस जिस टाइम एलओ साहब मार्केट के अंदर एंट्री की थी तो हम लाइव देख रहे थे, उस टाइम हम रेस्ट हाउस में मंत्री जी के पास बैठे थे। अच्छा। तो हमने कहा भी टीम भी वहाँ आई है, तो उन्होंने कहा आप बताओ आप अपने आप तोड़ लोगे? हमने कहा हम अपने आप तोड़ लेंगे, आप इस चीज़ की दिक्कत मत करो। हमने जो एप्लीकेशन लिखी उसके अंदर भी हमने ये लिखा कि हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इससे आगे 2 फुट से आगे अतिक्रमण नहीं करेंगे हमेशा के लिए। हमने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को डीसी साहब से उन्होंने बात की होगी मंत्री जी ने। तो ये कहना है कि अतिक्रमण 1 इंच का भी नहीं रहना चाहिए, हम सारा देखो प्रशासन का जो कहना है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमने जो पास हुआ है हमारा जो डेलीगेशन मिला था हमने 2 फुट का पास करवाया था उनसे रिक्वेस्ट करके, वो हमने 2 फुट का अपना कर लिया। जब भी कोई काम पड़ता है हम पूर्व मंत्री जी के पास ही जाते हैं, हमारी मार्केट के लोगों की यही इच्छा थी कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी के पास चलो। जिला उपायुक्त ने गरिमा टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में खुद ये बात कबूली थी कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उनका निर्णय एकदम पक्का है और वो किसी भी राजनीतिक दबाव के चलते पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, इसके ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर भी रहा था क्योंकि मार्केट में भी ये चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है, तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई राजनीतिक विषय नहीं था जरा भी, कहीं से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कहीं से कोई सिफारिश भी नहीं थी, ना किसी के खिलाफ ना किसी के हक में, और बड़ी अच्छी बात है ये, मुझे खुशी हुई कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी दिशा से कहीं से भी इस कार्रवाई के दौरान आज तक हमारे ऊपर नहीं आया। सभी लोगों ने सराहना की है, बाजार के लोगों ने भी सराहना की। जिला उपायुक्त के बयानों में एक तरफ जहां निडरता दिखती है तो वहीं दूसरी तरफ उनके आदेशों की धरातल पर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अब सरेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। किला रोड पर प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम खत्म होने के दूसरे दिन ही बुलडोजर चला दिया गया था। इसी तरह रेलवे रोड के दुकानदारों को भी समय सीमा खत्म होने के 4 दिन के बाद पीले पंजे की मार झेलनी पड़ी थी। शौरी क्लॉथ मार्केट में समय सीमा खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले खुद एलओ सुरेंद्र गोयल शौरी क्लॉथ मार्केट में उतरे और उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे समय रहते अतिक्रमण हटा लें, जिस पर व्यापारियों ने कहा कि वह प्रशासन के साथ है लेकिन अतिक्रमण को पूर्ण तरह से हटाया जाए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। अगर होना चाहिए तो पूरी मार्केट पे होनी, तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप अक्रोचमेंट वाले आ रहे हैं, नगर निगम वाले हैं, अशोक यादव जी भी डीसी साहब आए थे, राजेश खुल्लर जी भी आए थे, एक मिनट सुनो मैं चुप हो जाऊं, राजेश खुल्लर जी भी आए थे, हर बार यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आगे बंद हो जाता है, उसके बाद बड़े लोगों की सिफारिश ना हो, अगर सबके साथ एक भेदभाव हो, चाहे जितनी भी मार्केट हो, अक्रोचमेंट हो तो सब में हो, नहीं तो किसी में भी मत हो। अभी रेलवे रोड पर भी सबके साथ ही की गई है और किला रोड पर भी आपने देखा है कि जितने भी अधिकतर हम रेलवे रोड की बात नहीं कर रहे मार्केट, हम अपनी चोरी मार्केट की बात कर रहे हैं। चोरी मार्केट में 20 साल से भेदभाव चल रहा है, राजेश खुल्लर जी के टाइम में ले लो, अशोक यादव जी के टाइम में ले लो, 20 दुकानों पे जाते हैं, उसके बाद सिफारिश आ जाती है, या तो किसी की सिफारिश ना मानी जाए। हमारी तो बस नगर निगम के कर्मचारियों से यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर, मार्केट उनके पूरे साथ है। अब ये समय के गर्व में है कि क्या रोहतक में अवैध अतिक्रमण को हटाना केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर सच में एक बार फिर से प्रशासन फॉर्म में दिखेगा और सड़कों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा।